हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही नई रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं घर में कुछ इस तरीके का ट्राई करती हूँ, तो आज मैंने ये ट्राई किया है और सच में ये पहली बार में ही टेस्टी बना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट एंड तक बने रहना, कहीं जाना नहीं। तो देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो ये कुरकुरे हैं, बहुत ही क्रंची बने हैं और मार्केट का मैंने इसे फ्लेवर दिया है। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने इसे मसाले में चाट मसाला पाउडर और अमचूर पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल किया है। चाहे तो आप इसके ऊपर काला नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो देखिए इसे मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पर पोहा ले लिया है। तो यहाँ पोहा मैंने इस बाउल की मेजरमेंट से 2 कटोरी लिया है। और थोड़ा सा पोहा हमारे यहाँ क्या होता है, कितना भी हम पैकेट का लेते हैं पर हल्की सी उनमें डस्ट होती ही है। तो हम इसे चलनी की सहायता से छान लेंगे, जो भी इसमें डस्ट होगी उसे निकल जाएगी। और फिर इसके बाद हम इसे कढ़ाई में डालकर 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसके अंदर जितनी भी नमी होगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसे गर्म करने हल्का सा रखा है और इसमें मैंने पोहा डाल दिया है। तो पोहे को हमें 1 ही मिनट या 1 से 2 मिनट ही हल्का सा रोस्ट करना है, धीमी आँच पर ही। और फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसका पाउडर बना लेंगे। अब देखिए ये इस तरीके से हो गया होगा और थोड़ा सा ये हल्का सा खिला खिला सा दिखने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि ये हमारा पोहा रोस्ट हो गया है। तो हमें ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का 1 से 2 मिनट ही करना है। अगर कढ़ाई आपकी अच्छी गर्म हो है तो आपको जल्दी जल्दी चलाना होगा, अगर नॉर्मल गर्म है तो 1 से 2 मिनट में आराम से हो जाएगा। अब मैंने उसी बाउल की मेज़रमेंट से यहाँ पर साबूदाना लिया है। तो साबूदाना मैंने 1 कटोरी लिया है, क्योंकि हम इन दोनों की क्वांटिटी हमें इसी तरीके से रखना है। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में फाइन पीस लूँगी, यानी कि इनका पाउडर बना लूँगी। तो मैंने दोनों को का पाउडर बनाकर एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब साथ ही हम यहाँ पर कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे। आटे को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले हींग डाल दी है। तो हींग यहाँ पर मैंने 1/4 टेबल स्पून ही डाली है और यहाँ पर मैंने हल्दी भी 1/2 स्पून के अराउंड ली है। तो हम इसमें कुछ वही मसाले डालेंगे जो हमारी किचन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जीरा ले लिया है और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और साथ में यहाँ पर अमचूर पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी। तो मसाले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने सभी 1/2 स्पून के अराउंड ही लिए हैं, कोई भी मसाला मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया है, 1/2 से 1 स्पून के अराउंड ही हैं। अब मैं सभी को अच्छे से मिला लूँगी और इसमें 1 से 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने साबूदाना और पोहे से ये बना रहे हैं कुरकुरे, तो ये आटा वैसे ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मड़ेगा। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ पोटैटो ले लिए हैं, जिसे हमारा जो डो होगा उसको अच्छा बाइंड करेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 पोटैटो लिए हैं और इन्हें यहाँ पर फाइन वाले उससे ग्रेटेड कर लूँगी। और मैंने देखिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पोटैटो मिला लिए हैं और इन्हें अच्छे से मैं आटे के साथ मिक्स कर लूँगी और पानी की सहायता से हम यहाँ पर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो हमें आटे की मड़ाई अच्छे से करनी है और पानी अगर आपसे ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बाद में सोख लेगा, क्योंकि साबूदाना और पोहा दोनों ही पानी सोखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे खूब अच्छे से धीरे धीरे करके मार लूँगी। तो कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएगा हमें इसे मारने में, क्योंकि जितने अच्छे से आप मारेंगे उतने अच्छे से हमारे
कुरकुरे बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसे और मारूंगी क्योंकि मुझे ये अभी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे जो कुरकुरे होंगे वो अच्छी तरीके से बाइंड नहीं करेंगे, बीच से टूट जाएंगे। वैसे कुरकुरे तो टेढ़े मेढ़े ही होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं इसे अच्छी तरीके से मार लूँगी। अब यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा बना के चेक करूँगी कि हमारे कुरकुरे बन रहे हैं या नहीं। तो ये अब बन रहे हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा और इसे मारूँगी पानी की सहायता से, और फिर हम यहाँ पर बहुत सारे कुरकुरे बना कर रेडी कर लेंगे। तो आप ये एक बार में सारे कुरकुरे बना के प्लेट में फैला लें और फिर इसे धीरे धीरे फ्राई करें। तो आपको इकट्ठे बहुत सारे नहीं फ्राई करने हैं, नहीं ये क्योंकि चिपक जाएंगे। तो आप किसी स्टिक की सहायता से जब डालें तो इन्हें बीच बीच में अलग करते रहें, नहीं तो ये चिपक जाते हैं। तो मैंने जो पहली बार निकाले थे वो तो बिल्कुल सही निकले, और जब दूसरी बार के जो निकाले थे वो थोड़े से चिपक गए थे क्योंकि मैं वहाँ बीच में नाइफ़ डालना भूल गई थी, और क्योंकि बच्चे भी थे वो विंडो से, किचन की विंडो से चाय देख रहे थे कि मैं क्या बना रही हूँ, और वो समझ गए थे कि यहाँ तो मैं कुरकुरे बना रही हूँ। और उसी चक्कर में मैं ये भूल गई थी कि मुझे यहाँ पर चलाना भी है, और थोड़े से चिपक गए। तो कोई नहीं, बच्चों ने तो ये इंजॉय कर लिया है, और मुझे इन्हें बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बच्चे जब तक इंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़े से फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। देखिए ये मैं पहले फ्राई कर चुकी हूँ और ये बच्चे ले गए हैं। मेरे बच्चों को तो ये कुरकुरे बहुत पसंद आए, तो आज तो मेरी मेहनत बिल्कुल सफल हो गई। मुझे लगा था कहीं ऐसा ना हो मैं बना रही हूँ इतनी मेहनत करके और मेरे बच्चों को ये पसंद ना आए, पर मेरे बच्चों को पसंद आए और वो समझ ही रहे थे किचन से कि आज तो मम्मा कुछ और ही बना रही हैं हटकर, जो हमें ज़्यादा पसंद है। तो मैं वो समझ ही गए थे कि मैं उनके लिए कुछ इसी टाइप का बना रही हूँ। जैसे ही उन्होंने शेप देखे फिर कह रहे मम्मा क्या आप कुरकुरे बना रहे हो, मैंने कहा यस आज मैं आपके लिए कुरकुरे ट्राई कर रही हूँ, और ये मैंने बनाकर उन्हें खिला भी दिए हैं, तो उन्हें पसंद आए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और ऐसे ही मैं कुछ नया आपके लिए लाती रहूँगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।